नमस्कार जोहार, स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे और काफ़ी मज़े में होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ पत्रा, तो अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड लोग के साथ, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। और वो भी ट्रेन से जाने वाला हूँ, तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं जाने के लिए। तो बने रहेगा इस ब्लॉग में, आगे मिलते हैं। गाइस, अभी हम लोग फाइनली रांची रोड पहुँच चुके हैं और हम लोग अभी आगे जाने वाले हैं। बहुत एक्साइटेड हम लोग पत्रा तो जा रहे हैं, बहुत ही मज़ा लगने वाला है। और आगे आप बहुत अच्छा चीज़ दिखलाने वाला पत्रा तो में क्या क्या है, तो बने रहेगा इस ब्लॉग में। रांची रोड हम लोग पहुंच चुके हैं, हम लोग यहाँ से पार कर रहे हैं। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे भी बड़गा खाना पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग और आगे जाने वाले हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते जाओ और आपको दिखलाऊंगा। हम पता चलो पहुँचने वाले हैं अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो बहुत ही अच्छा लगेगा, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अब मैं आगे जब बनते हो जा रहा हूँ, अब मैं ट्रेन में बैठने वाला, ट्रेन खुलने वाली यहाँ से, अब मैं आगे बैठे जाऊँगा आगे। हेलो गाइस, तो फाइनली हम लोग पता तो स्टेशन पहुँच चुके हैं और यहाँ से अब हम लोग जाने वाले पता तो डैम। तो बहुत मज़ा लगने वाला, हम लोग अब आगे जाऊँगा, दिखलाऊँगा, बहुत मज़ा लगने वाला। बहुत एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर, अपने फैमिली के साथ यहाँ पर आया हुआ, तो बहुत मज़ा लग रहा है यहाँ पर आके। अब यह स्टेशन है, देखिए बहुत यहाँ पे ढेर सारा काम भी चल रहा है। हेलो गाइस, तो मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पीछे एक घोड़ा बना हुआ स्टैचू का, उसका हम लोग अंदर जाने वाले हैं। हम लोग पत्रातू डैम पहुँच चुके हैं, पत्रातू पार्क भी जाने वाले हैं, वहाँ पे बहुत एंजॉय करने वाले हैं। तो हम अंदर जाने वाले हैं, बहुत मज़ा लगने वाला है। अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आया हुआ था, अब मैं यहाँ पर अंदर जाने वाला। शाम का टाइम है, यहाँ पर मेला भी लगी हुई है, तो आपको दिखलाऊँगा। देखिए पीछे साइड उधर मेला लगी हुई है और मैं उधर भी जाऊँगा, लेकिन अभी मैं अंदर जाने वाला हूँ पार्क, क्योंकि शाम का टाइम पहुँचा हुआ यहाँ पर। तो अंदर जाके देखना कैसा कैसा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं अंदर जा रहा हूँ और वहाँ पे दिखाऊंगा कैसा कैसा नज़ारा है, तो बने रहिएगा इसमें। क्या करना है बाबू तुम यहाँ, ये गाड़ी में तुमको अच्छा लगेगा बैठ के? क्या काफी एक्साइटेड है तुम? चलिए भाई, बैठिए। ड्राइवर आ गया है, अब ये बच्चा शेयर करने वाला, मैं दिखाऊंगा आपको। झारखंड के टॉप लिस्ट में यहाँ पे घूमने का टूरिस्ट प्लेस माना जाता है, यहाँ पे बहुत मज़ा लगता है घूमने में। यहाँ पे बहुत दूर दराज से लोग आते हैं घूमने के लिए, तो मैं भी अंदर जाने वाला हूँ और आपको बहुत सारी चीज़ दिखाऊंगा और आगे मैं जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत लोग आए घूमने के लिए, आए बोलो, सब लोगों को बोलो कि मेरे से मेरे को सपोर्ट करें। और आपको जा रहा घूमने के लिए ना, तो मैं भी जा रहा हूँ घूमने के लिए अंदर, मैं बहुत सारा मजे लगने वाला हूँ, मैं जा रहा हूँ अंदर। हम लोग पत्रा तो इंटर करने वाले हैं और देखिए यहाँ पे इंटर दिया लिखा हुआ है, हम यहाँ से प्रवेश करने वाले हैं, अंदर जा रहे हैं। अंदर हमें दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे टिकट कटवा लीजिएगा, दिखाऊंगा वहाँ पे मैं जाने वाला हूँ, और आगे बने रहिएगा। यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधा दी गई है, यहाँ पे बड़े लोग भी खेल सकते हैं, बच्चे लोग भी खेला जाता है। और यहाँ से मैं नज़ारा दिखला रहा हूँ, यहाँ पत्रातू डैम कैसे दिखता है मैं दिखलाऊंगा। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत आके अच्छा लग रहा है। दिखलाऊँगा मैं पीछे यहाँ पर डैम कैसा दिखता है, यहाँ पर क्या क्या है आगे में। चल टूटल उठा, टूटल उठा, टूटल खाली बैठ लो, आराम से जा लगा टोपी टोपी। तो गाइस यहाँ पे आके काफ़ी मज़ा लग रहा है और मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ यहाँ पे आया हुआ था, काफ़ी एंजॉय किया मैंने यहाँ पे। अब मेरा वक्त हो गया, काफ़ी शाम हो गया है और मैं ललपनिया से आया हुआ था यहाँ घूमने के लिए, तो अब मैं वापस जाने वाला हूँ।
और बहुत ही मज़ा लग रहा है यहाँ पे। बहुत सारे चीज़ ऐसा चीज़ दिया गया है, मुझे देख के काफ़ी औसम लगा, क्योंकि झारखंड में टॉप में गिनती आती है यहाँ पे घूमने का जगह पतरातू डैम। और यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी आते हैं और आते भी हैं, और यहाँ पे आ चुके भी हैं लोग और घूमते भी हैं, और मन को शांति रखने के लिए यहाँ पे आते हैं। और बहुत सारा खेलने का गैजेट्स यहाँ पे दिया गया बच्चों के लिए भी, बूढ़ों के लिए भी। और उधर एक डैम था, मैंने देखा वहाँ पे बोटिंग करने के लिए भी बहुत अच्छा दिया गया था, और घोड़ा भी सवारी करने के लिए, छोटे से बच्चों के लिए छोटा सा मिनी नाव जिसको बोला जाता है वो भी वहाँ पे थी। तो बहुत मज़ा लगा, और यहाँ पे ऐसा लग रहा कि मैं नहीं जाऊँ, लेकिन शाम थोड़ा ज़्यादा पड़ गया है और यहाँ पे आके काफ़ी औसम लगा यहाँ पे। भाई आप सभी लोगों को अगर कभी मन करे यहाँ पे आने के लिए छुट्टियों में, तो ज़रूर से ज़रूर आएगा। यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे सभी सुविधा है, यहाँ पे ढेर सारा सुविधा है आपको, यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ ना होगी जब मिस हो। यहाँ पे फुल एंटरटेनमेंट, बहुत मज़ा लगेगा। और